फरीदाबाद में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा मंत्रिमंडल का पुतला एक साथ फूंका गया। नगर निगम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 54 दिन से चल रहे सत्याग्रह और 14 दिनों से चल रहे आमरण अनशन के बाद बाबा राम केवल के स्वास्थ्य में हो रही गिरावट से गुस्साए छात्रों ने जागरूकता दिखाते हुए नीलम चौक से नगर निगम तक हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकाली और पूरे मंत्रिमंडल का पुतला फूंका, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर कविता जैन, कैप्टन अभिमन्यु के साथ साथ फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, बड़खल विधायिका सीमा त्रिखा, बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा और निगमायुक्त सोनल गोयल के पुतले भी जलाए गए। गुस्साए छात्र जसवंत पवार ने कहा कि ऐसी असंवेदनशील सरकार हरियाणा में पहली बार देखी है, जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई और आज उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि फरीदाबाद के मंत्री व विधायक सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं और जो सोए हुए हैं, क्योंकि फरीदाबाद के नेताओं को नगर निगम से हर महीने घूस जाती है, जिसके कारण वो SIT से जांच नहीं करवा रहे हैं। छात्रों की चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए रिपोर्ट। देखिए आज बाबा के अनशन को 14 दिन हो चुके हैं। बाबा की तबीयत मैं बता दूं बिल्कुल खराब है ना, आज वो किसी से बोल रहे हैं बिल्कुल पड़े हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। 14 दिन में बहुत नाजुक हालत हो चुकी है उनकी। अब बिल्कुल हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे सरकार की ओर से कि वे बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है सरकार। यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो मंत्री है बिल्कुल सोए हुए हैं। वो अपने सत्ता, जो सत्ता है ना, सत्ता के नशे में चूर रहे हैं। यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है, यहाँ के जो राज्य मंत्री है, भारत सरकार बिल्कुल सत्ता के नशे में चूर है। कहीं ना कहीं हमारा उनको अल्टीमेट है और उनको चेतावनी है, अगर अब नहीं जागे तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। आज क्या किया है, किस तरह से विरोध किया? युवा का संगठन है हमारा, जो हमेशा छात्रों की आवाज उठाता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे शहर का मुद्दा है, हमारे देश सबका मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। बाकायदा इनके एक अफसर है रतनलाल रोहिला जी, उन्होंने चार्जशीट फाइल की है, बिल्कुल दी है सरकार को लिखित में, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं सरकार, वैसे तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो स्लोगन है वो पुराने हो चुके हैं। ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। 54 दिन हो चुके हैं अनशन को चलते हुए और धरने को, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं इनके मंत्री इस नगर निगम से करोड़ों कमा रहे हैं, इनको भी मंथली जाती है, मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से। तो लेके आज हमने इस चोर सरकार को, भ्रष्टाचारियों की सरकार को लेकर इनके मंत्रिमंडल को चोर सरकार का पुतला फूंका है हमने। इसमें कट्टर के मंत्रिमंडल के साथ साथ फरीदाबाद के जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और मंत्री हैं, जो MLA विधायक है, उन सबका पुतला दहन किया हमने।